और इसी जोन के अंदर पूरा दिन लास्ट मिनट में थोड़ा सा आपको मोमेंटम जरूर मिला लेकिन पूरा दिन कुछ नहीं रहा और मार्केट पूरा दिन साइडवेज रही उसका हाई रीजन था मार्केट में विक्स का लो होना 12.50 के आसपास विक्स थी जो बढ़कर 8, 8, 8, 8, हो गई है तो थोड़ा सा विक्स बढ़ा है सेकंड आज फेड की बेसिकली मिनट्स आने हैं शाम के इवेंट है और फेड रेट हाइक करने वाला है बहुत जल्दी तो उसके लिए जो मीटिंग है इन्फॉर्मेशन आने वाली है कल भी एक बहुत अच्छा इवेंट था आपको पता है मार्केट ने एट पॉइंट का गैप इन रन दिया ऊपर की तरफ वैसे जैसे ऊपर गई थी वैसे ही पहाड़ बना के नीचे की तरफ आ गई सो मार्केट उतना बड़ा गैप अप नहीं हुई जितना होना चाहिए था और काफी लोग बड़े खुश थे कि अरे निफ्टी तो 200 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर है कल तो मार्केट धमधमा झम कुछ नहीं हुआ ठीक है मार्केट लड़ती रही हालांकि मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन मार्केट ने कुछ नहीं किया आज कोई मोमेंटम नहीं मिला बट वेरी 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 वेरी, वेरी, वेरी शोर्ट और सेटअप के हिसाब से कल एक वाइल्ड

आपको नए लेवल मिल जाएंगे कि किस तरीके के एनालिसिस बनता है बैंक निफ्टी पे आ गए बैंक निफ्टी पे आने के बाद हम आ जाते हैं डेली तो, है, तो ये भी एक रिवर्सल कैंडल स्टिक की तरह ही बनी है लेकिन इसकी सच्चाई को जानने के लिए बोलते हैं ना यूनिट टू उनकी आंखों में देखकर आपको आत्मा को पहचानना पड़ता है तो आत्मा मतलब हरकनाशी कैंडल जाके आपको सच बताऊं ये बुलिश कैंडल ही दिखाई दे रही है और बैंक निफ्टी के अंदर भी देखेंगे तो ये भी एक बुलिश कैंडल ही दिखाई दे रही है तो दोनों तरफ से हाइकेनाशी बोल रहा है कि बुलिश है कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये लो है और अगर हम और सेटअप लगाने की कोशिश करते हैं यहां से हम लगाते हैं अपना फिबोनाची फॉर निफ्टी आपका मैंने आपको एक टारगेट दिया था निफ्टी का जो कि है 18700 10 ये टारगेट है पेंडिंग So, इसको देखते हुए कल आपको मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है और ये टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है तो याद रखेगा एटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड के ऊपर अपनी कॉल साइट को बुक ले लीजिएगा और अगर आपने कुछ होल्ड किया है तो फिलहाल पोजिशनल कोई व्यू नहीं है मार्केट का मार्केट आ, में आपको सच बताऊ तो टेक्निकल बोल रहे हैं नेगेटिव एक रिट्रेसमेंट चाहिए आना चाहिए लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है अब वॉल्यूम भी बहुत लो है क्योंकि कहीं आपको पता है जैसे जैसे एक्समस आता रहेगा एक्समस सबको मुबारक हो इन एडवांस में बट क्रिसमस जैसे जैसे आ रहा है आपके जितने भी एफ हैं सब छुट्टियों पर जा रहे हैं क्योंकि हॉलीडे सीजन आ गया सब जा रहे हैं और हमारी जो वॉल्यूम है वो घटती चली जा रही है ये सिलसिला रहेगा 15 जनवरी तक और असली वॉल्यूम असली जो मोमेंटम बड़ी कैंडल जिसके लिए ऑप्शन बायर मरते हैं वो आपको ऑफ जनवरी के बाद में ही आता हुआ दिखाई देगा अभी मार्केट में कुछ भी हो रहा है जो कुछ होगा गैप ऑफ डाउन के अंदर होगा उसके बाद में 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 मार्केट गैप गैप डाउन होगा उसके बाद में यही मार्केट में चल रहा है बट आज सबकी नजरें इवेंट के ऊपर जरूर रहेंगी जिस तरीके से यूएस मार्केट बिहेव करेगा शाम को हमारे मार्केट उस तरीके से सुबह खुलेगी ठीक है तो ये सुनारो है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते चलो आपको गोल्डन लेवल दे देता हूँ जो लेवल्स हैं इसके ऊपर काम करना है ये हमारी गोल्डन लाइन है मार्केट में अगर मार्केट कल आपको किसी भी रीजन की वजह से आपकी फर्स्ट पर्पल लाइन विच इज एटीन थाउजेंड सिक्स नाइनटी थ्री तोड़ती हुई दिखाई देती है बिंदास बाय पे बैठ जाना एटी थाउजेंड सेवन ट्वेंटी फाइव आपका पहला टारगेट रहेगा और गोल्डन लाइन का टारगेट रहेगा एटीन थाउजेंड सेवन कल आता हुआ दिखाई देगा लो साइड पे अगर आपको 60, हुआ दिखाई देता है सेल कर सकते हैं 18,599 आपका पहला टारगेट होगा और उसके नीचे का टारगेट होगा 18,567 याद रखिएगा बीच की ट्रेडिंग जो जोन है वो रहेगी हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन लेकिन अगर मार्केट नीचे गैप अप खुल के इससे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो ये ट्रेडिंग जोन में बन जाएगी और यहाँ पर अगर गैप अप होता है और गैप अप होने के बाद मार्केट यहाँ पर कोई लाल कलर की रेड कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनाती है उसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सक सेल कर सकते हैं पहला टारगेट दूसरा टारगेट तीसरा टारगेट चौथा टारगेट ये सिनैरियो आपको आता हुआ दिखाई देगा तो ये नो ट्रेडिंग जोन अगर फ्लैट ऊपर होती है तो नो ट्रेडिंग ही रहेगी

माफ कीजिएगा आपका दूसरा नीचे की तरफ रहने वाला है ओपन इंटरेस्ट पे अगर चलते चलते एक नजर मारी जाए तो गाइज ओपन इंटरेस्ट यंकर पुट राइटिंग हुई है यंकर पुट राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो भयंकर पुट राइटिंग यहां पर थोड़ी सी हल्की जरूर हुई है लोअर लेवल के ऊपर लेकिन आज यहां पर इतनी पुट राइटिंग हुई है अच्छा खासा मोमेंटम uh, बनाया हो यहाँ पर कॉल राइटर्स की बैंड बजाई है और एक टाइम पर ये पी सी आर रेशो वन पॉइंट फोर टू चला गया था थोड़ा सा कूल cool डाउन हुआ है बैंक निफ्टी का बट अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और निफ्टी का जो पी सी आर रेशो है वो न्यूट्रलिटी जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी दबा के पुट राइटिंग हुई है लेकिन हाँ रेजिस्टेंस निफ्टी के अंदर ज़्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी पुट साइड पुट साइड पर ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है पुट राइटिंग बहुत हुई है तो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं लेकिन uh, निफ्टी के अंदर कॉल राइटर्स अभी भी डटे हुए हैं तो कल पता लगेगा कि मार्केट में किस तरीके से करता है अगर हाँ पर मैक्स पेन देखेंगे तो uh, as per the data, as per the data, जो एक्सपायरी हमारी दिखा रहा है वो एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के पास में होनी चाहिए और uh, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मैक्स पेन है वो फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड दिखा रहा है सो एज पर दिस मार्केट इज स्टिल शोइंग अपसाइड क्योंकि हमारा निफ्टी सिक्स uh, है तो ये बोल रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट यहीं पर क्लोज हो सकता है ऊपर जाके नीचे सकता है और बैंक निफ्टी फोर्टी फोर मैक्स पेन होता क्या इस पेन इज नथिंग बट अन इंडिकेशन बेस्ड ऑन द डेटा जो ऑलरेडी बन चुका है उस दिन तक जितना डेटा बना हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेटेड डेटा होता है कि हाँ इस नंबर के आसपास वो डेटा एक्सपायर हो सकता है एक्सपायरी हो सकती है तो करंट डेटा बैंक निफ्टी के हिसाब से बोल रहा है फोर्टी फोर थाउजेंड आपको एक बात बताऊं अगर इस आ, ये इसके बीच में दो सौ से तीन सौ पॉइंट का गैप होता है मैक्स पेन और करंट सीएमपी के अंदर करंट सीएमपी क्या चल रहा है फोर्टी ठीक है ये चल रहा है फोर्टी तो फोर डेफिनेटली दो सौ से तीन सौ तो मार्केट क्या करती है एक डेफिनेटली पुल देती है और मार्केट के अंदर इसकी जो क्लोजिंग होती है वो करीब करीब डेढ़ से मतलब आएगा ये पास में मार्केट एक बार इसके पास में आने की चेष्टा जरूर करता है इस नंबर के पास आने की चेष्टा जरूर करता है ट्राई जरूर मारता है सो so, कल आपको एक बुल मूव मिल सकता है उसके बारे में कुछ डिनाई नहीं कर सकते तो फोर्टी फोर थाउजेंड आपको uh, के पास फोर फोर्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड के पास मार्केट जा सकता है बिकॉज इट्स अ डायनेमिक नंबर बढ़िया सिनेरियो है और अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ सॉरी निफ्टी की बात करूँ तो ये नंबर तो ऑलरेडी अच्छी हो चुका है ये बोल रहा है कि बैरिश रहेगा तो मार्केट कल एक्सपायरी में आई एम एक्सपेक्टिंग अ अ वी शेप शेप और ए मूव टुमारो आई डोंट थिंक सो क्या हमें एक तरफा मार्केट मिलेगी तो हमें टाइम पर बुक करना पड़ेगा लेकिन आपको मूव कल डेफिनेटली मिल सकती है तो वो ऐसे वी वी शेप मिले या इन्वर्टेड वी शेप मिले कल तो डेफिनेटली वो मिल सकते हैं कल होगा देखेंगे सर किस तरीके से बनता है एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दिया है ताकि आप लेवल्स को छेड़ सको ये लेवल्स आपको कहाँ मिलेंगे ये लेवल्स आपको मिल जाएंगे आपके अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग के तरुण के अंदर कहाँ से ले सकते हैं और लेवल्स बना सकते साथ के साथ गाइस ट्रेडिंग मास्टरी की जो हमारी आ, बैच है आ,

सीख सकते हैं ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू तो एडवांस तो बिक तो एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर और फिर मुलाकात होगी कल तैयार रहेगा वी के साथ पूरा दिन ट्रेडिंग करेंगे हम वेरी स्पेशल और बनाएंगे पैसे साथ में तो तक के लिए हंसते रहो मार्केट से पैसा कमाते रहो सी गज इन मार्केट हैव अ वंडरफुल